वेलकम टू एसएससी क्रैकर। एसएससी क्रैकर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेंगे करंट अफेयर्स, जो सिलेक्टेड करंट अफेयर्स जो एसएससी सीजीएल 2017 में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। एंड एसएससी आपको पता है कौन सा, जैसे बैंक का करंट अफेयर्स है ऐसा नहीं पूछता है वो, सिर्फ आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड, इकोनॉमिक्स रिलेटेड एंड आपका कोई ब्रांड एम्बेसडर हो गया, कुछ अपॉइंटमेंट हो गया, ऐसे ही कुछ पूछता है। ओके एंड आपको कैसा क्वेश्चन आएगा, एक बार आपका क्वेश्चन एक सीट में हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो चलेंगे आज लेते हैं इसको, करंट अफेयर्स जो 2017 एसएससी सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिलेक्टेड करंट अफेयर्स है। एंड मैं जो उठाया हूँ जो सिलेक्टेड करंट अफेयर्स, इसमें आपका 65 क्वेश्चन होगा, ये हमारा पार्ट वन चलेगा। एंड हर दिन आपको करंट अफेयर्स ही पढ़ना होगा, अभी लास्ट दिन आप जितना करंट अफेयर्स पढ़ोगे उतना याद रहेगा। ओके तो जल्दी जल्दी हम रिवाइज करते हैं इस करंट अफेयर्स को। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, ताकि आप चैनल अच्छा से ग्रो कर पाए एंड आपका अच्छा अच्छा वीडियो भी आपको मिलता रहे। तो बिना देरी करते हुए हम चलते हैं, आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स फॉर एसएससी सीजीएल 2017। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक विथ योर फ्रेंड्स। ओके तो चलते हैं। एंड हमारा स्पेशल मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा स्पेशल इंग्लिश टायर टू का क्लास शुरू होने वाला है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए जब हम इंग्लिश क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, आज पर ए रिसेंट स्टडी बाई qui.com, एक qui.com एक कंपनी है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक ऑन बेस्ट वैल्यूड एयर टिकट प्राइसेस ऑन इट्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रूट्स वर्ल्ड वाइड। आज पर जो qui.com, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक ऑन बेस्ट वैल्यूड एयर टिकट्स, हमारा एयर टिकट प्राइस जो इंटरनेशनल एंड नेशनल डोमेस्टिक का वर्ल्ड वाइड का जो आपका जो काउंट हुआ है, तो हमारा इंडिया का रैंक कितना है, इसका ऑप्शन है आपका 3, हमारा आंसर है 3, याद रखिए qui.com इंडिया से यहाँ के 3। ओके एयर टिकट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ व्हिच कंट्री हैज इंडिया एग्री टू बिल्ड एन एनर्जी ब्रिज एंड एनहांस कॉर्पोरेशन इन एनर्जी सेक्टर। देखिए जो इन व्हिच कंट्री हैज इंडिया एग्री टू बिल्ड एन एनर्जी ब्रिज, जो एनर्जी ब्रिज किसके साथ हमारा इंडिया एग्री किया है, वो है हमारा जर्मन रूसिया के साथ हम एग्री किए हैं जो हम एनर्जी क्या करेंगे, एनर्जी ब्रिज करेंगे म्यूचुअल एमओयू साइन हुआ है एन रूसिया के साथ। ए 3 डे मोदी फेस्ट, आपको पता है जो मोदी फेस्ट हुआ सेलिब्रेटेड ऑन पैन इंडिया। ओके तो मोदी का आपका फुल फॉर्म बताइए, उसका मोदी का फुल फॉर्म है मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया, ऑप्शन बी। इंडियन ओरिजिन लियो भराटकर लीडर ऑफ फाइन जेल पार्टी इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर व्हिच कंट्री, जो हमारा इंडियन ओरिजिन लियो भराटकर अभी वो किसका प्राइम मिनिस्टर है, अभी आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर है। एज पर नीति आयोग इंडिया इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट व्हाट परसेंट इन द फिस्कल एंडिंग इन मार्च 2018, इसका आंसर है 7.5%। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी रिसेंटली रिसीव फर्स्ट कॉपीज ऑफ बुक ललन शाह फकीर के गीत इतिहास, इट इज रिटन बाय किसका है, मुखचंद दुबे। ओके द मुखचंद ऐसे मुखचंद दुबे, बुक का नाम क्या है आपको पता है, ललन शाह फकीर के गीत, इसका ऑप्शन जाएगा आपका ए। अलेक्सेंडर वुकिक हैज बीन शोन इन अस्थि न्यू प्रेसिडेंट ऑफ, इसको हमारा आंसर है सर्बिया। ओके जो अलेक्सेंडर वुकिक है, ये क्वेश्चन तो एसएससी में नहीं आ सकता क्योंकि इंटरनेशनल हो गया, फिर भी आप आ भी सकता है क्योंकि कोई भी आर्मी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है ना तो आ सकता है। तो अलेक्सेंडर वुकिक याद रखिए, इतना सी याद रखिए जो अलेक्सेंडर है अब सर्बिया का प्रेसिडेंट चुना गया है। व्हिच कंट्रीज आर्मी चीफ रिसेंटली अनाउंस द अलाउंस वुमेन कॉम्बैट रोल्स, ये हमारा है आपका, देखिए जो व्हिच कंट्रीज आर्मी चीफ रिसेंटली अनाउंस DTO अलाउ वुमेन कॉम्बैट रोल्स, ये हमारा होता है, इसका आंसर आपका श्रीलंका। ओके चलिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिसेंटली इंक्रीज सैंक्शन ऑन व्हिच कंट्री, इसका आंसर है आपका, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिसेंटली इंक्रीज सैंक्शन ऑन व्हिच कंट्री, अच्छा इसका आंसर है आपका नॉर्थ कोरिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टर्म हैज फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियन, व्हिच टीम हैज फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम, वो है हमारा वेस्ट इंडीज। ओके वेस्ट इंडीज, हु रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम द कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप बाई सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज BCCI, इसका नाम है आपका याद रखिए रामचंद्र गुहा। ओके रामचंद्र गुहा,
Which cricketer recently broke Virat Kohli's record to become world's fastest batsman to reach 7,000 OD runs over Haseem Amla? आपको पता है हसीम अमला। Which city's metro corporation has tied up with Google Map? वो हमारा मुंबई, गूगल मैप के साथ आपका मुंबई का मेट्रो स्टेशन टाइड अप हुआ है। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस सी ओ मीट 2017 इज गोइंग टू बी हेल्ड इन, इसके जो शंघाई कॉर्पोरेशन है कहाँ पे होने वाला है उसका, हमारा अस्थाना, याद रखिए अस्थाना। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मीट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन, जो एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक मीट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन हमारा साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। अनिल अंबानी हैज़ अनाउंस टू कॉल द रिकम एयरसेल मॉर्स एंटिटी, इसका कंपनी का नाम एयरकम, एयरकम। T20 ग्लोबल लीग हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच क्रिकेट गवर्निंग बॉडी, वो हमारा है क्रिकेट साउथ अफ्रीका, आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज पब्लिक पॉलिसी फिलो टू विल्सन सेंट्रल एशिया प्रोग्राम ऑन ए प्रोजेक्शन द साइनो इंडिया टाइज, ये हमारा है साइनो इंडिया टाइज, जब ये आएगा निरुपमा राय का नाम आएगा। हाउ मेनी न्यू स्पाइसिस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन डिजॉल्व्ड इन 2016 एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जूलॉजिकल, एक क्वेश्चन आ सकता है एसएससी में, इसका याद रखिए कितना हमारा न्यू स्पाइसेस ऑफ प्लांट्स हुआ है हमारा 499। जून वन इज ऑब्जर्व, जून फर्स्ट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर बाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है आपका रोम इटली, तो जून एक में किसके जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मनाता है उसका नाम क्या है, वर्ल्ड मिल्क डे। थ्री न्यू पोर्टल्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय DOPT टू असेस द इंटीग्रिटी एंड परफॉर्मेंस लेवल्स ऑफ ऑफिसर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, देखिए सॉल्व है इसका पोर्टल का नाम है प्रोबेटी है स्पैरो है बट स्क्रूनिटी ए नहीं है आपका, तो आंसर ऑफ इसका जाएगा स्क्रूनिटी एंड सॉल्व प्रोबेटी स्पैरो सब है। व्हिच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट टू हैव ओनली वोमेन मैनेज ऑल पब्लिक पार्किंग लॉट्स अंडर ए स्मार्ट पार्किंग सिस्टम, है आपका स्मार्ट पब्लिक सिस्टम अंडर होता है चंडीगढ़। एज पर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन जन्नत जयंत सिन्हा, हाउ इज इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक साइज, जो पैसेंजर ट्रैफिक साइज में इंडिया का रैंक है हमारा फर्स्ट। जून सिक्स हैज़ बीन डेडिकेटेड टू सेलिब्रेट व्हिच ऑफ द सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन, ए आपका हुआ रूसियन, ओके तो आंसर चलिए वट इज इंडिया रैंक, ओके जून सिक्स हैज़ बीन डेडिकेटेड, अभी बताया रूसियन, ओके वट इज इंडिया रैंक ऑन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2017, हुआ हमारा आउट ऑफ 163 कंट्रीज से इंडिया का हुआ 137। व्हिच स्टेट हैज़ लॉन्च इट्स ऑफिशियल डिजी वॉलेट नेम्ड ईटी वॉलेट, ये बैंक का है, बैंक में आ सकता है बट एसएससी में भी आ सकता है। टी वॉलेट मीन्स आपका तमिलनाडु, सॉरी तेलंगाना। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ओशंस कॉन्फ्रेंस इज बींग हेल्ड ऑन, जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ओशन कॉन्फ्रेंस इज बींग हेल्ड ऑन न्यूयॉर्क। व्हाट इज व्हाट वॉज इंडियाज GDP ग्रोथ रेट इन Q4 ऑफ 2016 टू 2017, GDP ग्रोथ 6.5%, आंसर ओके सॉरी हमारा 6.1%, हमारा GDP ग्रोथ होगा 6.1%। आधार हैज रिसेंटली बीन मेड मैंडेटरी फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम, वो आपको पता है ए पी वाई स्कीम। व्हिच इंडियन सेलिब्रिटी हैज जॉइन यूनिसेफ चैंपियन सुपर डाडास एज एन एम्बेसडर, सचिन तेंदुलकर, आपको पता है सचिन तेंदुलकर। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज गिवन इट्स नोड फॉर DRDO's लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट फैसिलिटी एट व्हिच आइलैंड इन अंडमान, आपको पता है रूटलैंड आइलैंड, ये बहुत SSC में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइलैंड के बारे में मीन्स SSC में आएगा, इसका आंसर है ऑप्शन सी रूटलैंड आइलैंड। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ हैज गिवन इट्स नोड फॉर DRDO लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट फैसिलिटी एट व्हिच रूटलैंड आइलैंड। रेन हार्वेस्टिंग फेस्टिवल माझाको यथुसलभम वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन केरला। व्हेन इज ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ऑब्जर्व एवरी डे एवरी ईयर, आपको पता है ग्लोबल पेरेंट डे होता है जून फर्स्ट को। व्हिच कंट्री इज गोइंग टू बी लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट इन टू स्पेस नेम्ड मजलाई, आपको पता है इसका नाम है आपका मंगोलिया, जो मंगोलिया व्हिच कंट्री इज गोइंग टू लॉन्च फर्स्ट सैटेलाइट इन टू स्पेस मजलाई एंड सैटेलाइट का नाम है मंगलाई मजलाई एंड कंट्री का नाम है मंगोलिया। मिट्स मेगा फूड प्रैंक वॉज रिसेंटली निगोटेड बाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हरस्मित कौर बादल इन व्हिच स्टेट, आपको पता है जो फूड पार्क हुआ था वो उड़ीसा में हुआ था, कौन सा मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर भी पूछ लेगा नाम, तो आप पता है हरस्मित कौर हमारा फूड एंड यूनियन मिनिस्टर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ इफको, हमारा वाइस चेयरमैन इफको का अपॉइंटमेंट कौन है, रवि नारायण, ओके याद रखिए रवि नारायण। यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर M. वेंकैया नायडू रिसेंटली लॉन्च म्युनिसिपल
सॉलिड वेस्ट सेग्रेशन प्रोग्राम इन कहाँ पे होता है, वो आपका हुआ था न्यू दिल्ली में। ओके, यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एम वेंकैश नायडू रिसेंटली लॉन्च म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट सेग्रेशन प्रोग्राम इन, आपको पता है, न्यू दिल्ली में। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट फ्रॉम द चाइना साइड, वो था अनिता कुंडू, याद रखिए अनिता कुंडू। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज लॉन्च ग्रीन थम, वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव टू एनहांस द ग्रीन कवर अक्रॉस द कंट्री, आपको पता है ये आपका होता है टाटा प्रोजेक्ट्स। ओके, टाटा प्रोजेक्ट्स। विच इंडियन पर्सनलिटी हैज़ बीन री इलेक्टेड एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द इंटरनेशनल ट्रेड टेनिस फेडरेशन टू रिप्रेजेंट एशिया, उसको पता है आपका धनराज चौधरी, याद रखिए धनराज चौधरी। एंड धनराज चौधरी क्या हुए ना, रीअपॉइंटमेंट हुए आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द इंटरनेशनल ट्रेड टेबल टेनिस। ओके, धनराज चौधरी। हु हैज टेकन ओवर द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल, आपको पता है इंडियन ऑयल का चेयर कौन अभी हुआ है, वो है आपका अनंत सिन्हा, और अनंत सिन्हा। नेक्स्ट, विच इंडियन टेनिस प्लेयर ओन ITP मेंस फीचर्स टाइटल हेल्ड इन सिंगापुर, आपको पता है इसका नाम है रामकुमार रामनाथन। हुई इंडियन टेनिस प्लेयर ओन ITF मेंस फ्यूचर्स टाइटल इन सिंगापुर, रामकुमार रामनाथन। हुई सिक्योरिटी फोर्सेस आज पार्टनर विथ NSDC फॉर स्टार्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रिटायर्ड सिक्योरिटी, आपको पता है CISF। विच यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विथ इंडिया पोस्ट रिलीज एंड कॉमन सिटी स्टाम्प्स ऑन 5 इंडियन विंटर, इसका नाम है, जो यूनिवर्सिटी का नाम है आपका बनारस यूनिवर्सिटी, हिंदी यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ऑन इंडिजिनियस डेवलप्ड क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज मिसाइल एट द इंटीग्रेटेड टेक्स्ट रेंज ITR एट चांदीपुर, इट्स हिट इज अप टू 150 किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड फास्ट वाइंड फायर, सॉरी इसका आंसर होगा 130, इसका होगा 430 किलोमीटर। ओके, ऑप्शन भूल गया यहाँ पे, 430 किलोमीटर होगा। वर्ल्ड फर्स्ट वाइल्ड फार्म पावर्ड बाई जेंट काइट्स इज गोइंग टू बी बिल्ड इन, आपको पता है जो वाइल्ड फार्म पावर्ड बाय जेंट काइट्स इज गोइंग टू बी हेल्ड इन UK। विच IIT हैज़ डिवाइस टेक्नोलॉजी दैट कैन बी फिटेड इन एन, देखिए एम्बुलेंस सेक्टर में जो एक IITian से, कौन सा IITian से, वो एम्बुलेंस इंश्योरेंस मॉनिटरिंग वन सेकेंड, यस अच्छा, मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट्स बाय द डॉक्टर्स। ओके, एम्बुलेंस के अंदर वो पेशेंट मॉनिटरिंग हो पाएगा डॉक्टर के द्वारा, वो बनाए आपका खड़गपुर IIT। वट इज इंडिया रैंक ऑन 2017 ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स GRDI, याद रखिए GRDI का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स दैट रैंक्स 30 डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया रैंक है आपका थर्ड में। इन हुई सिटी वॉज इंडिया फर्स्ट पब्लिक बाइसाइकिल शेयरिंग इनिशिएटिव नेम ट्रिन ट्रिन लॉन्च, ट्रिन ट्रिन आपका मैसूर। ओके, याद रखिए मैसूर। हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RBI, आपको गणेश कुमार है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI, गणेश कुमार। हुई स्टेट्स हाई कोर्ट रिसेंटली रूल अगेंस्ट द एनक्रोचमेंट्स इन रीज एरियाज, आपको पता है आपका ये हमारा है बॉम्बे हाईकोर्ट। ओके सॉरी मद्रास हाईकोर्ट, आंसर मद्रास हाईकोर्ट। वट इज द नेम ऑफ द इंडियन अमेरिकन गर्ल हु ओन द 19 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी, इसका ना आपको पता है, वट इज द नेम ऑफ द इंडियन अमेरिकन गर्ल हु ओन द 19 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी, आपका इंडियन गर्ल का नाम होता है आपका नाम, उसका नाम है श्रुति वेंकटस। अच्छा, परमजीत मान हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर इंडिया टू स्लोवेकिया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती, आपको पता है प्रसार भारती होता है राजीव सिंह। 3 न्यू मोबाइल एप्लीकेशन वे आर रिसेंटली लॉन्च बाई ट्राई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ देम, आपको पता है माई डाटा है इसमें नहीं है ट्राई में। इसरो रिसेंटली लॉन्च मार्क टू रॉकेट एलॉन्ग विथ GSAT-19 सैटेलाइट, हाउ मच डीजी डॉज इट, इसका है 640 टन। विच इंडिया बैडमिंटन प्लेयर रिसेंटली ओन द गोल्ड मेडल एट द थाईलैंड ग्रैंड प्रिक्स। ओके, इसका इसको आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका नाम क्या है। ओके, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर रिसेंटली ओन द गोल्ड मेडल एट द थाईलैंड ग्रैंड प्रिक्स, थाईलैंड ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा प्लेयर बैडमिंटन प्लेयर वो जीता था गोल्ड मेडल। हाई सीरिया इज द न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम अनवेल्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको पता है ये होता है आपका एप्पल। हाई सीरिया मीन्स एप्पल में आता है, हाई सीरिया एप्पल। विच कंट्री हैज़ बिकम द 29th मेंबर ऑफ नॉर्थ अंटिल नाटो होता है, नाटो का 29th मेंबर आपको कौन बना, आपको पता है अल्बानिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, देखिए ये जितना है आपको बताना है। ओके, बहुत आपको गूगल पे सर्च कीजिए या फिर जहाँ पे सर्च कीजिए मुझे आंसर चाहिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी,
एंड फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर रूरल एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग इज गोइंग टू बी, इसको पता, इसको मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। ओके एलईडी आपका आंध्र प्रदेश, सबको बताए। एनएसपी रिसेंटली अप्रूव मर्जर ऑफ डीएसएफएल वाइस हाउसिंग फाइनेंस विथ, देखिए जो एनएसपी आपका किया है, आपका अप्रूव किया है वो रेपको होम फाइनेंस के साथ। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये आपको बताना है, यूनाइटेड नेशन का न्यू प्रेसिडेंट। हुई क्रिकेट टीम रिसेंटली रीब्रांडेड रीब्रांडेड विथ इट सेल्फ, आपको पता है कौन सा टिकट है, एक पायो का वेस्ट इंडीज। लास्ट हो गया, इतना हमारा करेंट अफेयर्स पार्ट वन था, इसको रट के जाइए, इसी से ही क्वेश्चन आएगा। एंड अगर इस कमेंट लाइक मुझे अच्छा मिला, कमेंट कमेंट मुझे चाहिए आपको, अगर मुझे कमेंट मिला कि आपको दूसरा इससे वीडियो बना के दूंगा, जब कमेंट आएगा लाइक मुझे कमेंट मिलेगा तो मैं दूसरे बड़ा वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। तो इतना ही आप करके जाइए, तो मैं मुझे होप है आप कमेंट करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।